ऐसा काल इस धरती ने कभी ना देखा। चारों तरफ मौत का सुनसान हाहाकार, आकाश पाताल देवता ब्रह्मा सब खत्म हो जाएगा। फिर एक बार जन्म लेने के लिए, फिर एक बार मरने के लिए। मेरा वादा है आपसे, आज के बाद किसी भी बुरी आत्मा का साया गांव पर नहीं पड़ेगा। ये भूत भूत कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको अक्षय कुमार हमेशा अपने फैंस को कुछ नई नई चीजों के साथ सरप्राइज करते रहते हैं, और ऐसे ही सरप्राइज दे दिया है आज अक्षय कुमार ने, जब उन्होंने अनाउंस कर दिया दोस्तों उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये मूवी बन रही है दोस्तों प्रियदर्शन के साथ, यानी कि आपको अक्षय कुमार और प्रियदर्शन का रीयूनियन देखने को मिलेगा 14 साल बाद। और मैं आपको यहाँ पर यही बता दूं कि ये वही कॉम्बो है जिन्होंने हमें हेरा फेरी, भूल भुलैया, गरम मसाला, दे दनादन जैसी मूवीज दी हैं। तो यानी अब जब इस स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन के बाद अक्षय कुमार दोबारा स्क्रीन पर नजर आएंगे, जो कि वो स्त्री 2 में उन्होंने एक हल्का सा जो है टीजर दिया था हमें, और अब दोस्तों एक फाइनल अनाउंसमेंट आ चुकी है कि हॉरर कॉमेडी जो है इस योनरा में अब अक्षय कुमार पूरे तरीके से खुद को एस्टैब्लिश करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों हम भूल भुलैया में तो उनका काम पहले ही देख चुके हैं, लेकिन स्त्री 2 में भी हमें वो नजर आए थे, स्त्री 3 में भी उनके नजर आने के चांसेस हैं। और यहां पर दोस्तों उन्होंने अनाउंस कर दिया भूत बंगला, जो कि होगी एक हॉरर कॉमेडी, और हॉरर कॉमेडी का योनर जो है दोस्तों पिछले कुछ टाइम से सिनेमाज में अच्छा काम कर रहा है। तो यहां पर दोस्तों अब हमें कुछ इंटरेस्टिंग मूवीज और देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों ये था एक क्विक अपडेट कि आपके लिए आ रही है अब अक्षय कुमार की मूवी भूत बंगला, दोस्तों 2025 में इसे सिनेमाज में रिलीज किया जाएगा।